नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस 9 बज चुके हैं और सामान्य हिंदी का जो टेस्ट है पढ़े आपको 9 बजे यहां पर देखने को मिलता है अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और स्टार्ट करेंगे क्लास को और आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक टॉपिक लेकर आया हूँ, संधि। तो संधि से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, सारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। और काफ़ी लोग कहते हैं कि कभी कभी टॉपिक वाइज भी करा दिया करो, तो मैं कभी कभी आपको टॉपिक वाइज भी देता रहता हूँ। जैसे इसके पहले मैंने आपको 2-3 दिन पहले आपको वर्ड विचार दिया था, तो आज मैं संधि लेकर के आया हूँ। और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से, सरल क्वेश्चन हो कठिन क्वेश्चन हो, आपको सबको देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं तो यार फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। इसके अलावा अगर आपने हमको इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे आप लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक्स और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लगातार देता रहता हूँ, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से। क्लियर है? चलिए अभी सभी लोग रेडी हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत ही आसान सा है, सबको पता है क्या होगा कि दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उसकी बात करते हैं तो संधि कहलाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, इनमें से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, बताइए। बिल्कुल सही बात है सर, संधियाँ 3 प्रकार की होती है, सबको पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियाँ होती है। यहाँ पर जो अनुस्वार संधि है ये किसी भी संधि का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आपसे कह रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो सबको पता ही, अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। रत्नाकर का संधि विच्छेद, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है, रत्न प्लस आकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो कौन सी संधि होगी सर आपकी, दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी सर आपकी, दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न शब्दों में स्वर संधि को पहचानना, आपको स्वर संधि पहचानना आप सभी को इन 4 ऑप्शनों में, पुस्तकालय, दिग्दर्शन, सदगति और उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, स्वर संधि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, पुस्तकालय, पुस्तकालय जो है आपका यहाँ पर पुस्तक प्लस आलय, यही तो होता है ना सर, पुस्तकालय, यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगा। और तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, ये तो क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि भाई संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संख्या गमन, संख्या गमन, संख्या नहीं है, संख्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो संख्या गमन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सखी प्लस आगमन, पहला ऑप्शन देखा जाए तो सखी प्लस आगमन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा संख्या गमन का। और यहाँ पर देखा जाए तो कौन सी संधि होगी, देखिए बड़ी ई है और प्लस आपका क्या है आ है, और आपका क्या हो गया है या हो गया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी सर आपकी, यड़ संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना बड़ी ई या छोटी ई के पश्चात अगर छोटी ई या छोटी ई को छोड़कर कोई भी और आ स्वर आए, जैसे आ बड़ा ऐसा कुछ आता है तो वहाँ पर ई या बड़ी ई के स्थान पर या हो जाता है। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद करिए, अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। अभी है प्लस उदय है, बिल्कुल सही जवाब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, अभ्युदय हो जाएगा, वही सेम चीज है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखा जाए तो छोटी ई प्लस क्या है आपका ऊ हुआ है, तो आपका यू हो गया है अभ्युदय। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर भी आपका कौन सी संधि होगी, यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी सर, यड़ संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई रीति प्लस अनुसार की संधि क्या होगी, रीति प्लस अनुसार इसकी संधि क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है सर, रीति प्लस अनुसार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ई प्लस आ है ना, ई प्लस आ है और ये बराबर क्या हो जा रहा है, या हो जा रहा है, यानी कि रीति अनुसार,
ई प्लस आ मिलके आपका या होता है, तो आपका रित्य अनुसार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आपका किसका उदाहरण है सर आपका, बिल्कुल सही बात है सर, यड़ संधि का उदाहरण है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में कौन सी संधि है, अंत मुरारी, अंत मुरारी में कौन सी संधि है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, अंत मुरारी, अगर देखिए इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका संधि विच्छेद होता है एतत, एतत प्लस मुरारी, तो यहाँ पर देखा जाए तो मुरारी है, यहाँ पर आधा ता है और आपका उ है, तो यानी कि यहाँ पर ये आपका अंत मुरारी बनता है, तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि यदि किसी वर्ग का जो प्रथम वर्ड है उसके बाद कोई अनुनासिक वर्ड हो तो प्रथम वर्ड के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ड हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर अंत मुरारी, ता का अनुनासिक वर्ग तो अंत मुरारी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आते हैं ता था दा धा ना, क्लियर है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, स्वर संधि बताइए किसमें है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है सर, स्वर संधि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रामायण, क्या हो जाएगा सर आपका रामायण, तो रामायण में देखा जाए तो आपका स्वर संधि है। क्यों सर, राम धन अयन, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, राम धन अयन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्वर संधि हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आ प्लस आ मिलके बड़ा आ हो जाता है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। 11 जवाब देखिए 11 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है, श्रद्धानंद में अगर देखा जाए तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धा प्लस आनंद, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, श्रद्धा प्लस आनंद होगा, और यहाँ पर भी आपका कौन संधि हो जाएगा सर, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कौन सी संधि होगी सर, दीर्घ स्वर संधि होगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महोत्सव। 12 जवाब देखिए यहाँ पर 12 का आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, महोत्सव में अगर देखा जाए तो महाधन उत्सव, यही तो होता है ना सर, महाधन उत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है महाधन उत्सव, ये आपका महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए कौन सा संधि होगा सर, बड़ा आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जा रहा है ना, बड़ा आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर गुड़स्वर संधि हो जाएगा। गुड़स्वर संधि क्या होता है सर, आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, री या री आता है, तो दोनों मिलकर के हमेशा ए ओ और आर हो जाता है, यानी कि आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए, आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ, और री आता है तो आपका आर हो जाता है, क्लियर है। आते हैं जैसे महर्षि, अभी आपको मिलेगा आगे भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, तो महेश्वर्य का संधि विच्छेद या संधि नियम बताइए कौन सा है, ये तो बहुत आसान है। महेश्वर्य बताइए, आ प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है। 13 तो यहाँ पर देखा जाए तो आ प्लस ए, देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आ प्लस ए बराबर आपका ये बड़ा ए होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो ये नियम समाहित है, देखिए बड़ा आ प्लस ए है, तो यहाँ पर ए हो गया है, यानी कि यहाँ पर ए होना चाहिए था, क्लियर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो किसी में भी ऐसा नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसे कर दो तो अगर ये कर देते तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता, बट कुछ लोग यहाँ पर जवाब तब भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा सर, आपका ऑप्शन नंबर जो इसका कोई भी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, इस तरह से यहाँ पर होना चाहिए था, क्लियर है। और वृद्ध संधि का ये उदाहरण है, किसका उदाहरण सर आपका, ये वृद्ध संधि का उदाहरण है। वृद्ध संधि में भी क्या होता है, आ या आ के बाद ए या ए आते हैं, तो वहाँ पर ओ औ आने पर ए आने पर ए हो जाता है, ओ और औ आने पर ओ हो जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग जवाब दीजिए, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है, सूर्य धन उदय, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सर, फर्स्ट, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सूर्य धन उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है, और यहाँ पर भी देखा जाए तो गुड़ स्वर संधि हो जाए, क्योंकि आ प्लस ऊ मिलके ओ हो जा रहा है, मैंने हमको आपको बताया था ना, आ प्लस ऊ मिलके जब ओ हो जाता है तो आपका वहाँ पर संधि विच्छेद होता है, क्या बोलते हैं, गुड़ स्वर संधि होता है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है कि अनवीक्षण का संधिविच्छेद क्या होगा। अनवीक्षण का संधिविच्छेद बताइए क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 15 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा अनु प्लस ईक्षण होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है अनवीक्षण में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लेंगे, अगर ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लें तो यहाँ पर ईक्षण में अगर आप इसको ईक्षण लिख दें, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनु प्लस ईक्षण। और ईक्षण में भी देखा जाए तो बड़ी ई होना चाहिए, क्योंकि अनवीक्षण है ना, बड़ी ई बन रहा है ना, वी बन रहा है ना, तो यहाँ पर ये ईक्षण में बड़ी ई होगा, ये भी याद रखिएगा। तो अनु प्लस ईक्षण होना चाहिए था। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका यर संधि का ये उदाहरण है, ऊ प्लस ई मिलकर वी हो जा रहा है, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मतैक के किस संधि का उदाहरण है। मतैक जो है आपका किस संधि का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा जो मतैक है वो आपका वृद्धि संधि का, किसका सर, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। मतैक यानी कि मत धन ऐक्य होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो आपसे कह रहा है अतियुक्ति शब्द में कौन सी संधि है। अतियुक्ति शब्द में बताइए कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए 17 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अतियुक्ति शब्द की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यर संधि हो जाएगी। क्यों सर, अति प्लस उक्ति, देखिए अति प्लस उक्ति यानी कि ई प्लस ऊ मिल रहा है ना, तो यहाँ पर यर संधि हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि बड़ी ई और बड़ा आ बराबर या, ये किस संधि में ऐसा परिवर्तन होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी ई प्लस बड़ा आ बराबर या, ये किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है इसमें बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 18 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यर संधि का, बिल्कुल सही बात है, या वैसे बन रहा है तो आपका यर संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि गौधन चरित्र की संधि क्या है। गौधन चरित्र की संधि क्या है बताइए। वैसे तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, बट इसको अगर हम पूरा मिलाएंगे तो ये गौश्चरित हो जाएगा। ऐसे आपका पुनः धन चर्चा, पुनश्चर्चा, दुःधन चरित, दुश्चरित, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई याद रखिएगा विसर्ग जो संधि है उसके वो नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग जैसे गौ है आपका विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा या छा होता है तो वहाँ पर विसर्ग का शा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए चा है इसलिए यहाँ पर शा हो गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दृग का वर्ण विच्छेद क्या है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, दृग, दृग का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर देखा जाए तो आधा दा फिर री, फिर आपका आधा गा फिर आ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दृग का वर्ण विच्छेद होता है, क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। जो आपका वधूर्मी है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। वधू प्लस उर्मी होगा, लेकिन कौन सा, बड़ा ऊ लगेगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ लगेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के फिर आपका फिर से बड़ा ऊ ही हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो हमेशा याद रखिए जब भी कोई स्वर के बाद वही सेम स्वर आ जाता है और दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं वहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भूर्जा, भूर्जा का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 देखिए आंसर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है, भू प्लस ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो रहा है, तो आपका यहाँ पर क्या आंसर संधि होगा सर, दीर्घ स्वर संधि होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए अन्वेषण, बिल्कुल सही बात है, अनुधन एसड़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनु प्लस एसड़। और यहाँ पर देखा जाए तो छोटा उ और प्लस ए बिल्कुल आपका क्या हो जा रहा है, अनवे हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जब भी मैंने आपको बताया था या वा रा, जब भी या में, वा में या रा में बदलता है तो वहाँ पर हमेशा यर संधि ही होता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी सर, आपका यर संधि हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा।
उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 है। चलिए 24 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, उड्डयन की बात करते हैं, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन यानी कि यहाँ पर याद रखिएगा आधा ता है, आधा ता के बाद क्या आ रहा है, आधा ड आ रहा है, यानी कि आपका क्या फिर ड हो जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विपत प्लस जाल, यहाँ पर कौन सी संधि है, विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल। तो ये तो बहुत आसान है, जब भी देखिए हलंत वाला आ जाए या व्यंजन वाला कोई भी आ जाता है तो वहां पर हमेशा याद रखिएगा व्यंजन के बाद जब भी कुछ आता है तो व्यंजन संधि होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, चलिए समझ में आ ही गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका वाक जाल तो है, उद्धरण भी है, इसके अलावा रसायन में देखा जाए तो आपका नहीं है। रसायन में क्यों नहीं सर, रस प्लस अयन होता है ना, रस प्लस अयन मिलकर आपका रसायन बनता है, तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि नहीं होगा, यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। जबकि और उद्धरण में और तद्धित में वाक्जाल में यहाँ पर देखा जाए तो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सच छात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है, सच छात्र का समुचित संधि विच्छेद बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27, जवाब देखिए यहाँ पर 27 का आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, सत्य प्लस शास्त्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सत्य प्लस शास्त्र, ये आपका सच छात्र का समुचित संधि विच्छेद होता है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वही आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये तो आपको सबको क्लियर ही होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका सेम रिपीट हो गया है, तो उसको छोड़ देते हैं, सच्छास्त्र का संधि विच्छेद। 29 कह रहा है कि दीर्घ संधि, गुड़ संधि और वृद्धि संधि और यड़ संधि और अयाद संधि, ये किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। चलिए जो सारी संधियां हैं किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है सर, 29, जवाब देखिए यहाँ पर 29 का आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है सर, अगर 29 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वर संधि की, स्वर संधि की ये बेसिकली पांच भेद होते हैं, उन्हीं के अंदर में आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए पावन। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों अगर हम पावन की बात करते हैं, बहुत ही आसान है, पावन का मतलब क्या होता है भाई, देखिए पवन और पावन में अंतर होता है, पवन में पो प्लस अन होता है और पावन में पौधन अन होता है। तो ये पवन में ये पवन का है, पोधन अन ये पवन का है, यहाँ पर पावन का पूछा गया है तो पावन का आपका पौ प्लस अन होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपका अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, किसका है सर आपका अयादि का उदाहरण है। क्लियर है। चलिए औ प्लस आ मिलके आव हो जा रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अयादि यहाँ पर कौन सा है बताइए, उत धन योग, तथा धन एव, अप धन ज, नव धन एक, यहाँ पर कौन सा आपका अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी की देखो, नौ धन एक, अभी मैंने आपको बताया था इसके नाभिक हो जाएगा, ये मिलकर क्या हो जाएगा आपका नाभिक हो जाएगा, और ये यहाँ पर फिर से वही अ प्लस ई मिलकर अव हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आव हो जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, यहाँ पर ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, यशोदा, यशोदा, देखिए यशोदा का संधि विच्छेद करो तो क्या आता है, यशः धन द, यही तो आता है ना सर, यशः प्लस द आता है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए जो प्रयुक्त संधि होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं विसर्ग, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 34 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, व्यंजन संधि का यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो विद्यालय है, विद्यालय की बात करते हैं तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि यहाँ पर बताइए कौन सी है।
क्वेश्चन नंबर 35 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो विसर्ग संधि की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका निष्कर्म है, निष्कर्म की अगर हम बात करें तो निह धन कर्म, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है निह प्लस क्या होता है आपका कर्म होता है, तो ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 36 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो उच्चारण की अगर हम बात करते हैं तो उत प्लस चारण, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो उत प्लस चारण, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? उत धन चारण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई भूदर्व का संधि क्या है, भूदर्व का संधि क्या हो जाएगा। भूधन ऊर्ध्व होना चाहिए था ना, यहां पर भूधन ऊर्ध्व, तो यहां पर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऊर्ध्व में आपका बड़ा होगा। कुछ लोग बी जवाब दे रहे हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखो ना, भूधन ऊर्ध्व में भू प्लस बड़ा ऊ होना चाहिए था। तो यहां पर इसको जो आयोग है उसने ही ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को गलत माना था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका कोई भी करेक्ट नहीं होगा। वैसे बी वाला थोड़ा सा करेक्ट है यहाँ पर, अगर बड़ा ऊ लगा होता। क्लियर है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि का वैसा उदाहरण है, बस यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। भाई वर्णों के मेल से जब भी परिवर्तन होता है, ये तो पहला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपका संधि जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है। बताइए सर, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 39 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है सर, सत्य धन आग्रह, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, सत्य प्लस आग्रह, यह सत्याग्रह का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर है, इसमें आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सदानंद का संधि विच्छेद क्या है। सदानंद का संधि विच्छेद क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सदानंद का ये संधि विच्छेद हो जाएगा, सत प्लस आनंद। क्लियर है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, पुस्तकालय में अगर देखा जाए तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, पुस्तक धन आलय, यही तो होता है ना सर, पुस्तक धन आलय, यानी कि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा, उच्छ्वास का संधि विच्छेद कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्त धन श्वास। जवाब देखिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन देखिए आना शुरू हो गया है, उत प्लस श्वास, यानी कि ये उच्छ्वास होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका व्यंजन संधि होगा, कौन सी संधि होगी सर आपकी, व्यंजन संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है साथियों, चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निह धन कलंक का सही संधि शब्द क्या होगा, निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो निह प्लस कलंक, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो निष्कलंक, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है निष्कलंक, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बी पर टिक कर देंगे निष्कलंक पे। क्लियर है, इसमें विसर्ग संधि है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो आपसे यहाँ पर देखिए 45 नंबर क्या कह रहा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए पवन, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो पवन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, पवन का जो संधि विच्छेद है पो प्लस अन, अभी पावन मिला था पौधन अन, यहाँ पर पवन मिल गया, तो पवन में क्या हो जाएगा पो प्लस अन हो जाएगा। और यहाँ पर संधि की बात करते हैं तो अयादि संधि होगी, कौन सी संधि होगी सर आपकी, अयादि संधि होगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धन में कौन सी संधि है। बताइए जो निर्धन है यहाँ पर कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 46 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, निर्धन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विसर्ग संधि, कौन सी संधि हो जाएगी सर आपकी, विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि निह प्लस धन होता है, निर्धन का संधि विच्छेद होता है निह प्लस धन, तो यहाँ पर ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्लियर है, चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए
क्वेश्चन नंबर 47, सभी लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, पयोधि। जवाब देखिए यहाँ पर 47 का आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है। पयोधि में देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है पयाधंधि, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पयाधंधि मिलकर के पयोधि हो जाएगा, तो ये भी आपका विसर्ग संधि का ही उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि रित्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रित्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है रीति प्लस अनुसार। क्या हो जाएगा सर आपका, रीति प्लस अनुसार, ये जो संधि विच्छेद है रीति अनुसार का होगा। यहाँ पर देखा जाए तो यह हो जा रहा है कि यह संधि का ये उदाहरण है, तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो कुछ लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही बात है। बाल धन उचित बराबर बालोचित, यानी कि आ प्लस ऊ मिलके ओ हो जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, गुड़ संधि हो जाएगी। कौन संधि होगी सर आपकी, गुड़ संधि होगी, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना सर, तो ये रहे भैया आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद अभी आपको एक और टेस्ट देखने को मिलने वाला है 40 क्वेश्चन जीके जीएस का, तो अभी जस्ट 5 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो फटाफट आइए वहाँ पर भी जो चाहिए। और यहाँ पर अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।